नमस्कार दोस्तों, भारतीय वीगन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रूएल वुल इंडस्ट्री यानी कि क्रूर ऊन उद्योग के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, पसंद आए तो लाइक दीजिए, इस वीडियो को शेयर करके मेरे इस वीगन एक्टिविज्म में भाग लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऊन उत्पादन करने के लिए मनुष्य ने भेड़ों को पालतू बनाना शुरू किया लगभग 11,000 से 9,000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में मुफलॉन रैम नामक एक जंगली भेड़ होता है, वो आज भी पाया जाता है जंगलों में, जिनमें से कुछ भेड़ों को मनुष्य ने पालतू बनाया और उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके उनके जेनेटिक्स को कुछ इस तरह मैनिपुलेट किया कि आज के जो भेड़ हैं उनमें बहुत सारी ऐसी नस्लें विकसित की गई हैं, जैसे मेरिनो वगैरह, उनके शरीर पे इतनी भारी मात्रा में ऊन उगता है कि उसे काटना अति आवश्यक हो जाता है। अगर हम ऊन को बार बार नहीं काटेंगे तो इनका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और ये हीट स्ट्रोक से मर सकते हैं। तो हमने इस जानवर को क्या से क्या बना दिया, जो कि जो जंगल में जो मुफलॉन रैम वगैरह और दूसरे जो जंगली भेड़ रहते हैं, उन भेड़ों के अंग पर जो बाल आते हैं, जो ऊन उगता है वो बहुत ही सीमित मात्रा में उगता है, जो कि पर्याप्त होता है इनके शरीर को ठंडी में गर्म रखने के लिए, जो कि झड़ते उगते रहता है उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए। लेकिन आज के पालतू भेड़ पूरी तरह से मनुष्य पर निर्भर हो चुके हैं अपनी खुद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि ये मर जाएंगे अगर इनके अंग पर से ऊन निकाला नहीं गया तो। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि ऊन का उत्पादन जो होता है वो छोटे मोटे फार्म द्वारा होता है, जहां पर कुछ भेड़ों को पाला जाता है और उन भेड़ को आराम से बिठाकर उनके बाल काटे जाते हैं और उन बालों से ऊन का उद्योग होता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि विश्व भर में जो ग्लोबल वुल प्रोडक्शन होता है वो 2 मिलियन टन के हिसाब से हर साल किया जाता है। इतना ज्यादा ऊन उत्पादन मुमकिन ही नहीं हो सकता छोटे मोटे फार्म और कुछ भेड़ों द्वारा। तो इसे मुमकिन बनाने के लिए बहुत ही भारी संख्या में भेड़ों को पैदा किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है। तो पहले ये लोग ऐसा करते हैं कि एक नर भेड़ लेते हैं जिसकी नस्ल में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊन उगाने की खासियत होती है, और उस नर भेड़ का सीमन निकालने के लिए ये लोग एक रॉड जैसा यंत्र होता है जिसे इलेक्ट्रो इजैक्युलेटर कहते हैं, जिसे ये उस नर भेड़ के बम में यानी कि उसके रेक्टम या एनस में घुसाया जाता है और उस में एक बिजली का झटका छोड़ा जाता है, जो बिजली के झटके की वजह से ये नर भेड़ सीमन बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ता है और ये बार 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 करते रहते हैं। और जब ये सीमन की मात्रा इसमें इस भेड़ में कम होने लगती है तब इस भेड़ को उसके मांस के लिए मार दिया जाता है, और जो सीमन इन भेड़ों से पैदा किया जाता है उस सीमन को फार्म में बहुत सारी मादा भेड़ों को प्रेग्नेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे बहुत सारी जगहों पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरे फार्मों में, दूसरे फार्म की भेड़ों को प्रेग्नेंट करने के लिए। और जो प्रेग्नेंट करने का जो तरीका ये लोग इस्तेमाल करते हैं ये बहुत क्रूर तरीका होता है, क्योंकि इसमें भेड़नी को, जो मादा भेड़ है उसे उल्टा लिटाकर एक यंत्र पर बांध दिया जाता है, जो उन्हें बांधकर पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, और उसकी जो कोक है वहां पर उस चमड़ी को भेद कर उसके अंदर जो नर का सीमन है वो छोड़ा जाता है, और इस तरह किया जाता है इन मादा भेड़ों को प्रेग्नेंट, और इस प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेयरी इंडस्ट्री के की तरह ही भेड़ों में भी
ऊन उत्पादन करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग होता है। जब ये भेड़ बच्चे पैदा करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा भीड़ में होते हैं। ये जो इन लोगों को एक बड़ी बड़ी चारागाहों में बहुत ही ज्यादा भारी संख्या में रखा जाता है, और बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण ये जो भेड़ के जो बच्चे पैदा होते हैं दूसरे जन्म के पहले या दूसरे दिन ही मारे जाते हैं। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही हर साल 10 मिलियन के हिसाब से भेड़ के बच्चे मारे जाते हैं भीड़ में कुचले जाने के कारण। और जो बच्चे बच जाते हैं उन्हें बहुत ही कड़ी क्रूरता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग जो नर बच्चे होते हैं उन्हें कैस्ट्रेट कर देते हैं, यानी कि उन्हें उल्टा बांधते हैं जैसा उनकी माँ को बांधा गया था प्रेग्नेंट करने के लिए, और बिना किसी एनेस्थेसिया या बिना बेहोश किए, बिना एनेस्थेसिया का इस्तेमाल किए, बिना उस भाग को सुन्न किए या कोई पेन किलर का इस्तेमाल किए, ये लोग उस बच्चे का अंडकोश या तो काट देते हैं या तो उसके ऊपर रबर चढ़ा देते हैं, जो कि बहुत ही पीड़ा देने वाली प्रक्रिया होती है। और कैस्ट्रेशन के साथ ही म्यूल्जिंग नामक एक प्रक्रिया की जाती है इन भेड़ के बच्चों के साथ, क्योंकि जिसमें ये लोग उस भेड़ को सारे भेड़ के बच्चों को वैसे ही बांधकर उसकी पूंछ काट देते हैं और उसके पूंछ के आसपास की जो भी चमड़ी है उसे काट कर छील कर निकाल देते हैं, जो कि बहुत ही पीड़ा देने वाली प्रक्रिया होती है। वैसे ही बिना पेन किलर बिना एनेस्थेसिया से इसे किया जाता है, और इसे करने का कारण इनका ये है कि क्योंकि ये भेड़ अपने शरीर पर हर जगह बहुत भारी मात्रा में ऊन उगाते हैं, तो उनकी पूंछ के आसपास अगर लंबे बाल आते हैं तो वहां पर इनकी पॉटी इनकी लेंडिया अटक जाती है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए ये लोग चमड़ी काट देते हैं पूंछ की और पूंछ के आसपास की, ताकि जो नई चमड़ी वहां पर आती है उस चमड़ी में ज्यादा लंबे बाल उगते नहीं है, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अजीब बात यह है कि उस जख्म को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस उस समय उन बेचारे बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस म्यूल्जिंग प्रक्रिया के कारण, जो म्यूल्जिंग प्रक्रिया ये सोचकर बनाई गई है कि इन भेड़ों को इन्फेक्शन ना हो, इस दर्द भरी म्यूल्जिंग प्रक्रिया के कारण सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ज्यादा भेड़ के बच्चे सूजन की वजह से या तो सिस्टेमिक टैक्सीमिया की वजह से दम तोड़ देते हैं और मर जाते हैं। और जो भेड़ जिंदा बच जाते हैं उनको बार बार उन्हें मारा पीटा जाता है उनका ऊन निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत भारी संख्या में होते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा उत्पादन करना होता है ऊन का। तो जो कर्मचारी होते हैं उनका उत्पादन करने के लिए इन्हें भेड़ों के हिसाब से पैसा मिलता है, इन्हें इनके समय के हिसाब से इन्हें पैसे नहीं मिलते। ये जितने ज्यादा भेड़ों को पकड़कर उनका बाल काटेंगे उतना ज्यादा इन लोगों को पैसा मिलेगा। तो ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा भेड़ों के बाल निकाल निकाल कर इन्हें छोड़े, ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिले। और ऐसा करने की वजह से ये लोग भेड़ को उठा उठा कर पटकते हैं, इन्हें मारते हैं, और क्योंकि ये बहुत कर्मचारी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत चिढ़े हुए होते हैं, तो ये भेड़ों पर अपना सारा दुनिया भर का गुस्सा निकाल देते हैं, इनके मुंह पर पंच करते हैं, इन्हें आड़ी टेढ़ी छुरियां मार देते हैं, इनके शरीर के बहुत सारे भाग इनकी कैंचियों द्वारा कट जाते हैं, और ये उसे ऐसे ही बिना किसी दवाई के ये ऐसे ही सुई मारकर उन्हें टाके लगाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। और
ये बार बार इन बेचारे भेड़ों के साथ किया जाता है जब तक इनका इनका ऊन उत्पादन कम नहीं हो जाता। और जब इनका ऊन उत्पादन कम हो जाता है उसके बाद इन बेचारे जो पहले ही इतना पीड़ाजनक जीवन बिता चुके हैं इन्हें और ज्यादा पीड़ा दी जाती है इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए। इन्हें जिंदा ही दूसरी जगहों पर एक्सपोर्ट किया जाता है जिनमें ऑस्ट्रेलिया अक्सर दूसरे देशों में जैसे मिडल ईस्ट यानी कि अरब देशों में और अफ्रीका जैसे देशों में इन्हें जिंदा एक्सपोर्ट करता है। और क्योंकि ज्यादा ऊन इनके शरीर पर उगने के कारण इनके शरीर का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो ये अक्सर रास्ते में ही भूख प्यास और शरीर की गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक से मारे जाते हैं। और बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ और जहां पर वो पॉटी कर रहे होते हैं उसी जगह पर इन्हें खड़ा रहना होता है। पूरी इतनी गर्मी और इतने बुरे इनके हाल होते हैं कि ये अपना सफर पूरा तय नहीं कर पाते और आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं। और जब ये पहुंच जाते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद इनको जो मर रहे होते हैं उन्हें वहीं पर कर्मचारी उन्हें उनकी गर्दन को काट देते हैं और उन्हें वहीं पर मार देते हैं। और जो बच जाते हैं वो जाते हैं कत्ल खानों में जहां पर इनको इनके मांस के लिए मार दिया जाता है। तो ये है पूरी कहानी इन बेचारे बेजुबान भेड़ों की जिन्हें इतनी बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, उनकी शरीर के अंग को काट दिया जाता है, इन्हें एनेस्थेसिया या पेन किलर नहीं दिया जाता, इनको बहुत ही बुरी गर्मी का सामना करना पड़ता है और इतनी ज्यादा पीड़ाजनक जीवन इन्हें व्यतीत करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि हम उनके शरीर पर उगे हुए बाल से ऊन बनाकर हम खुद को गर्म रख सके। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि हमारी वजह से इतने सारे जानवरों को इस तरह के दुखद अस्तित्व में लाया जाए ताकि हम इनको इनके ऊपर हमारे जो भी संसाधन है जो रिसोर्स है वो हम इन पर खर्च करें और इन्हें पीड़ा दे और अंत में इन्हें मार कर खा लेते हैं। जैसा कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी कहा है कि बहुत सारा अनाज बहुत सारी जमीन इनके ऊपर खर्च होती है, उसके अलावा इन भेड़ों की वजह से न्यूजीलैंड जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को वातावरण में छोड़ता है उन गैसों में 90% मीथेन जो आता है वो भेड़ों की वजह से आता है। इन भेड़ों के लिए चारागाह वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे जंगली जानवरों को मार दिया जाता है। जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क में बहुत सारे भेड़ियों को इस हद तक मार दिया कि येलोस्टोन के जो भेड़िए हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गए। लोमड़ियों को मार दिया जाता है इन भेड़ों को बचाने के लिए और 5 मिलियन कंगारुओं को मार दिया जाता है उन भेड़ों के लिए चारागाह बनाने के लिए ताकि हम उन भेड़ों को इस्तेमाल कर सके उनके शरीर से ऊन निकालने के लिए। लाखों के हिसाब से मिलियंस के हिसाब से कोयोटी यानी कि एक गीदड़ होता है एक भेड़िए की प्रजाति का एक जानवर होता है उसे मार दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट में। और भारत में भी बहुत ज्यादा क्रूरता होती है इन भेड़ों पर क्योंकि भारत में तो कोई कानून भी नहीं है जो इन जानवरों को अत्याचार से बचा सके और ये जानवर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किए जाते हैं। और जो दुनिया भर में टोटल वुल प्रोडक्शन होता है 2 मिलियन के हिसाब से उसमें भारत 9th रैंक पर आता है ऊन का उत्पादन करने के लिए। और दोस्तों उसके अलावा इस बेचारे भेड़ के अलावा मनुष्य और भी दूसरे जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करता है ऊन के लिए। जैसे कि अंगोरा करके एक खरगोश आता है,
अंगोरा करके एक बकरा भी आता है और खरगोश भी आता है, और इन आप अगर खरगोश की वीडियो देखेंगे तो इनको इनके हाथ पैर आगे और पीछे से ऐसे बांध दिए जाते हैं और इनके शरीर से उनके बाल नोचे जाते हैं बहुत बुरी तरह से। और खरगोश जैसा जानवर जो कभी मुश्किल से ही शायद उसके मुंह से आवाज निकलती होगी, वो जानवर चीख पड़ता है और ये तब तक चीखते रहता है जब तक उसके शरीर से कर्मचारी बाल नोचते रहता है। और उसके अलावा बहुत सारी बकरियां हैं जिससे ऊन का उत्पादन होता है, जैसे मोहेर और कैशमेर करके एक ऊन की किस्म आती है जो बकरियों से निकाली जाती है, जिनके शरीर से बालों को नोचा जाता है, काटा या ट्रिम किया नहीं जाता, नोचा जाता है, इन्हें बांध कर उल्टा बिठा कर इन्हें मारा पीटा जाता है, इनके बाल नोचे जाते हैं। और इसके अलावा भी दूसरे जानवर है जैसे लामा, अल्पाका वगैरह जैसे जानवर जो साउथ अमेरिका में जिन्हें जिनका प्रयोग होता है ऊन के उत्पादन के लिए, और बैक्ट्रियन कैमल जैसा जैसे दूसरे जानवर है, एक ऊंट की जात है जिससे ऊन निकाला जाता है, और मस्क ऑक्स करके एक सांड की प्रजाति का एक दूसरा जानवर है जो अलास्का वगैरह जैसी जगहों पर पाया जाता है, जिससे ऊन कनाडा और अलास्का में जिसका ऊन का उत्पादन होता है, और याक टिबेट और मंगोलिया जैसे मंगोलिया और सेंट्रल एशिया जैसे देशों में याक के शरीर से ऊन निकाला जाता है, उसी दर्द भरे तरीके से इनके शरीर से बाल नोचे जाते हैं। और अगर आप कुछ जगहों पर अगर आप ऐसे देखो कि इन्हें इनके शरीर से आराम से ऊन निकाला जा रहा है प्यार से वगैरह, लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है, भेड़ों के साथ भी शुरुआत ऐसे ही हुई होगी और ये बढ़ बढ़कर इस हद तक पहुंच गया कि इन भेड़ों को मारा पटका जाता है, इनके अंग काट दिए जाते हैं, और इसी चीज की शुरुआत दूसरे जानवरों के साथ भी होती हुई नजर आती है। तो दोस्तों मेरी आपसे विनंती है कि अगर आप अगली बार मोजा, टोपी, स्वेटर या कोई भी चीज जो ऊन से बनती है, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि वो सब चीजें ना खरीदे, बिल्कुल खरीदे, लेकिन उस चीजों को उन चीजों को खरीदिए जिनमें जानवर से आए हुए ऊन का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि वीगन वुल का प्रयोग किया गया हो उन चीजों को आप खरीदिए, और जो जानवर से आया हुआ ऊन है उसे बॉयकॉट कर दीजिए, उसे मत खरीदिए, क्योंकि आज हमारे मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है जो कि बेहतर अल्टरनेटिव्स है ऊन के साथ अगर आप उसकी तुलना करें तो, जैसे कि कॉटन फ्लैनल है, पॉलिस्टर फ्लीस है, सिंथेटिक शेयरलिंग है जो कि रिसाइकल किए हुए प्लास्टिक से बनता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी चीजों को खरीदते हैं जो रिसाइकल प्लास्टिक से बनता है और जो कि बेहतर है जानवर से आए हुए ऊन से, तो दोस्तों आप एक तरह से उस बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो जो समुंदर से और सड़कों से और जो भी जहां पर भी प्लास्टिक का वेस्ट हमने फैला रखा है उन वेस्ट को जमा करता है। तो अगर आप ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करोगे तो आप एक तरह से पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हो, आप ये भी ध्यान रख रहे हो कि आपकी वजह से जानवरों को पीड़ा नहीं पहुंच रही, और आप खुद को गर्म रखने के लिए भी एक बेहतर सामान खरीद रहे हो जो कि जानवर से आए ऊन की तुलना में ज्यादा समय तक आपके साथ रहेगा और जल्दी खराब नहीं होगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको वो जानकारी दी होगी ऊन के बारे में जो आपको शायद पहले पता नहीं थी। तो दोस्तों कृपया वीगन विकल्पों की तरफ ध्यान दीजिए, जानवरों के बारे में सोचिए, अगर आप जब भी आप अगली बार मार्केट जाओ किसी भी चीज को खरीदने के लिए तो अपनी जीवन शैली को वीगन बनाइए। तो दोस्तों मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए
और मेरे इस वीगन एक्टिविज्म में भाग लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।